एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके लिए आज आर्मी जीडी का क्रैश कोर्स लेकर आ चुका हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपकी क्लासें जल्दी ही शुरू कराएंगे, तो आज डे वन स्टार्ट करते हैं। मैं आज जीएस और जीके का सेक्शन लेकर आया हूं आपके लिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और बात करते हैं केरल की, तो केरल भारत का सबसे साक्षरता वाला राज्य है। साक्षरता, केरल की सबसे ज्यादा साक्षरता है। बात करते हैं बिहार की, तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। आइए क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं। राजघाट कहां पर है? तो राजघाट के लिए ऑप्शन आपका सही है दिल्ली। राजघाट कहां पर है? दिल्ली। और भी जान लेते हैं राजघाट के बारे में। राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। आइए क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब हुए? तो भारतीय संविधान के अंदर पहले जो आम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील उलर झील जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। डल झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। पुष्कर झील आपकी राजस्थान में है। ये चारों ही झीलें काफी बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो याद रखना। लिख देता हूं मैं एक बार, डल झील जम्मू कश्मीर। चिल्का आपकी उड़ीसा, पुष्कर आपकी राजस्थान। चिल्का काफी फेमस है, बहुत बार को एग्जाम में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ देखते हैं। तो फाइव को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार एक महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी को आप जानते हैं, भारत की पहली पीएम थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्ण थे। तो ये था आपका आज का डे वन। कल लेके आते हैं आपके लिए डे टू। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।